फ्रॉम द वेरी सक्सेसफुल अक्लेम एंड संस्कारी डायरेक्टर जो हमेशा अच्छी और पारिवारिक फिल्म्स बनाता है। ये पारिवारिक फिल्में बनाता है, ये सब अच्छी बातें करता है, ये सबसे क्रूड और वल्गर इंसान है। करण जौहर और वल्गर? नो वे। अब तो मेरा खड़ा खड़ा सोता है। सो वॉट, एट लीस्ट ही लव्स व्हाट ही मेक्स। आई हेट माई फिल्म। No, I hate things I do. सच में क्या वाहियात आदमी है। ध्यान से देखिए इस पाखंडी और वाहियात आदमी को, जिसने अपनी पहली ही फिल्म को दोबारा बनाकर पूरे देश का काटा। इन कुछ कुछ होता है शाहरुख, who plays राहुल, a douchebag who keeps hitting people for no reason, and is the best friend of काजोल, who plays अंजलि, a coked up girl who doesn't know how to behave like sane people. काजोल इज इन लव विद हर फ्रेंड शाहरुख, बट शाहरुख फॉल्स इन लव विद रानी मुखर्जी, who plays a high class well behaved girl who ultimately marries शाहरुख, leaving काजोल heartbroken. But when their family is broken, the youngest member of the family, who just got to know about the family secret, embarks on a mission to complete the family again. Cause you know it's all about the family, right? In Kabhi Khushi Kabhi Gum, Shahrukh, who plays Rahul, a douchebag who keeps hitting people for no reason, and is the best friend of Rani Mukherjee, who plays a high-class, well-behaved girl. Rani is in love with her friend Shahrukh, but Shahrukh falls in love with Kajol, who plays Anjali, a coked-up girl who doesn't know how to behave like sane people, who ultimately marries Shahrukh, leaving Rani heartbroken. And my love story will be lost. But when their family is broken, the youngest member of the family, who just got to know about the family secret, embarks on a mission to complete the family again. The only difference is that in Kuch Kuch Hota Hai, the girl Anjali had a plan, and this guy is completely clueless. That's why he spends his time doing things like walking, dancing, walking with models, hot models. Aur is kahani mein hai परंपरा। क्या वो इस परिवार की परंपरा का पालन कर पाएगी? परंपरा डैड, परंपरा, परंपरा बेटे, परंपरा, परंपरा। द मोस्ट बोरिंग सीन। इस फिल्म में है डायलॉग्स विच इंस्पायर्ड फराह खान टू मेक। मैं हूं ना, रहने दीजिए ना, टॉमिक वेट ऑफ, रहने दीजिए ना। वैसे आप खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपके बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। रेफरेंसेस फ्रॉम कुछ कुछ होता है। ये जोक था। था तो आई डोंट लाइक जोक्स। आई डोंट लाइक यू। ये जोक था। था तो आई डोंट लाइक जोक्स। आई डोंट लाइक यू। तुसी जा रहे हो? तुसी जा रहे हो? फिल्म में अमिताभ के कैरेक्टर को विलेनिश पोर्ट्रे किया गया है, जो दो प्यार करने वालों के बीच पैसों की दीवार खड़ी कर देता है। इस धर्म के बीच कोई मामूली मोहल्ले की लड़की आ जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बट इफ यू लुक क्लोजली, इट्स नॉट अमिताभ मिस्टेक दैट ही डजंट लाइक काजोल। वो अभी तक काजोल से बस दो ही बार मिला होता है, एक बार पार्टी में, रुक सा, ये तो, और दूसरी बार घर में। चुप, चुप, सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी मेरी वजह से? अब कौन बाप ऐसी पागल लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहेगा? हैं? कितने गई चांदनी? फिल्म में ऋतिक रोशन अपने बड़े भाई और भाभी को घर वापस लेने के मिशन पे निकलता है, पर ये अकम्प्लिश करने के लिए उसका प्लान क्या था, पहले वो उन्हीं के घर में रहने लग जाता है। ये यही रहेगा। फिर उन्हीं के घर में उन्हीं को फैमिली ना होने के ताने मारता है। करवा चौथ की तो रस्म है, वो हर सास अपनी बहू को कुछ भेजती है, आपकी सास ने आपको नहीं भेजा। और जब एक्सीडेंटली सबको पता चल जाता है कि ये तो रोहित है, तब ये, घर वापस आ जाओ भैया, प्लीज भैया घर वापस आ जाओ। अबे अगर तुझे रोना ही था तो ये तो पहले दिन ही कर लेता, और वैसे भी ऐसे रोने से तुझे मिला क्या? अब तुम चले जाओ, जाओ तुम जाओ प्लीज। फिल्म में ऋतिक के हाथ में छह उंगलियां साफ दिखाई देती हैं, तो ये उंगलियां उसके बचपन में भी होनी चाहिए थी। और अगर ऐसा होता तो शाहरुख को पहले ही मुलाकात में पता चल जाता कि ये चोमू तो मेरा भाई है। कि जहां ये लड़की पली बड़ी है, जहां से वो आई है उसका वजूद क्या है?
फिल्म में अमिताभ शाहरुख और काजोल के स्टेटस गैप की वजह से इतना गुस्सा हो जाता है कि शाहरुख को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर अमिताभ को स्टेटस की इतनी ही परवाह होती तो वो शाहरुख का स्टेटस जाने बिना उसे अडॉप्ट नहीं करता। कि राहुल याशर नंदिनी का अपना बेटा नहीं है, उसे गोद लिया था। We will tell you the real reason why Amitabh got angry. Actually, it was Amitabh who had crush on Rani. Rani ho gaya, Rani. Naina, she is the perfect girl. And for you, my lovely. और ये इन्हीं दोनों का प्लान था कि शाहरुख की रानी से शादी हो जाए और इन दोनों का भी काम एक ही घर में चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। Yes! लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो अमिताभ गुस्से में अपने ही बेटे को घर से बाहर निकाल देता है, देता है, देता है, देता है। सबको लगता है कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग एक अच्छा और पारिवारिक गाना है, बट वी विल टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ इट। फिल्म में जया बच्चन ये गाना अपने पति अमिताभ को एड्रेस करती है। थोड़ा आगे बढ़ा। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। हाउ संस्कारी, राइट? रॉन्ग। फिल्म में जया बच्चन अपने पति को क्लियरली ब्लेम कर रही है। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन है तेरा साया, तेरी पूजा भी करूं मैं तो हरदम। शी इज लाइक, देखो हाउ संस्कारी आई एम, मैं अपने सारे फर्ज निभा रही हूँ, और अगर मेरे इतने अच्छे कर्मों के बाद भी हमारी लाइफ में कभी कभी गम आते हैं तो ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी श्योर टू चेक आउट आवर प्रीवियस चुतपा ट्रेलर्स। और अगर हमने हमेशा हमेशा के लिए आपका केतरी जी देखने का मजा बिगाड़ दिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।